और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से जो बातें निकल रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि कैसे वकीलों का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए। और इसको इसमें जब प्रधानमंत्री का रोल आता है, तो आपने देखा कि अभी उन्होंने एक वक्तव्य दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर भी। तो ये इनकी मंशा दिखाता है और इनकी सोच भी दिखाता है कि ये बड़ा दिल दिखाकर नहीं, कानून के हिसाब से जो चीजें अगर माननीय न्यायालय करती है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उस पर इस तरह से सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि दिल बड़ा था इसलिए तुषार मेहता जी ने कहा कि कोई जबरदस्ती की कार्यवाही इस वक्त नहीं होगी। सच्चाई ये है कि हमारे को प्रताड़ित करने के लिए हमारे 135 करोड़ रुपए भी तो इन्होंने इस वक्त अटैच कर लिए है ना, तो वो 135 करोड़ रुपए ही हमें लौटाएंगे या उसके लिए छोटा और बड़े दिल की बात करेंगे। और माननीय न्यायालय जब कोई आदेश देता है और वहां पे खड़े होकर जब तुषार मेहता कोई जवाब देते हैं सरकार की तरफ से, तो वो किसी दबाव में दे रहे थे या दबाव बनाने के लिए दे रहे थे या बड़ा और छोटा दिल या माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए दे रहे थे, इनका जवाब इनके पास नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ये धमका सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विरोध करने वालों को पछताना पड़ेगा, तो वो तो खुद ही माननीय न्यायालय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जब माननीय न्यायालय का ये कहना है तो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। जी